ये हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशिकांत खानदिल वर्ल्ड चैनल। और आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ लैक ऑफ कैमरा कॉन्फिडेंस। किस तरह हम बिना झिझक के कैमरे के सामने फुल फोकस के साथ में बोले, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, इसके लिए ये वीडियो है। प्लीज़ ये वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक शायद आपके काम आए जो यूज मैं करता हूँ। ओके, तो फिर चलिए शुरू करते हैं लैक ऑफ कैमरा कॉन्फिडेंस को कैसे ठीक करें। ओके, सो टिप नंबर वन, पहला टिप ये कि आप किसी से डरे नहीं, और आपका जो डर है ना, ये दिमाग में ना बैठाए कि मैं बोलूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। ओके, टिप नंबर टू, आप जब बोलेंगे ही नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस तरह से फेस कर रहे हैं कैमरा। ओके, टिप नंबर थ्री, आप हमेशा है ना रीटेक लीजिए। रीटेक मीन्स बार बार वीडियो के सामने बोलिए। देखो, जितनी बार गलतियां करोगे ना, उतनी बार आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, इसलिए हमेशा रीटेक लीजिए और हमेशा उस वीडियो को देखिए कि मैंने अब ये गलती कर दी, अब ये गलती नहीं होगा। इससे धीरे धीरे आप में ना सुधार होते जाएगा। नंबर फोर, जब भी आप है ना वीडियो को रीटेक लेने के बाद में जब अपने वीडियो को आप देखेंगे ना, तो आपको है ना सारी गलतियां पता चल जाएगी। पहली बार तो आप गलत किए रहोगे, उसके बाद में जो आएगा कॉन्फिडेंस वो सही हो जाएगा। नंबर फाइव, जब भी आप वीडियो को ले लेंगे, उसे ना अपने फैमिली पर्सन या फिर अपने ऐसे किसी दोस्त के पास में जरूर शेयर करो, और उसे ना रिव्यू मांगो कि भाई बता मैंने कहाँ पे गलतियाँ किया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल किधर है। ये आपको है ना वहाँ से ना थोड़ा सा आपको वो मिलेगा, एक बोलते ना मोटिवेशन मिलेगा, यार मैंने ये गलती किया था, मेरा फ्रेंड ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे बताया। ऐसे मेरे कई सारे फ्रेंड हैं और मेरे सिस्टर्स हैं, वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि भाई तेरा यहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे लूज हो रहा है। और ओके, टिप नंबर सिक्स, मैं जब वीडियो बनाता था ना, मेरी सारी वीडियो में आप ये वीडियो देख लीजिए जो दिखा रहे हैं, ये पोस्ट देख लीजिए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा था, थर थर आ रहा था, मैं कैमरे के सामने इतना डरता था कि क्या बोलेंगे यार। ठीक है, जो निगेटिव कमेंट मिले उससे सीखा, जो पॉजिटिव कमेंट लिए उसको मोटिवेशन बनाया और आगे बढ़ा, क्योंकि मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो अपने एक यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। आप मेरी सारी यूट्यूब की ये जो वीडियोस हैं, ये जो एक बार देखेंगे ना कि मैं किस तरह बोलता था, उस समय मेरे पास में ना माइक भी नहीं था। जो मैं आज ये माइक यूज़ कर रहा हूँ ना, बोया का सबसे अच्छा माइक है और मेरे को है ना बेनिफिट दे रहा है। सो आप यूज़ करें, कम रिसोर्सेज में भी यूज़ करेंगे तो भी ठीक रहेगा। अगर आपको चाहिए कि मैं बोया का माइक के बारे में और वीडियो बना के बताऊं, तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट टिप पे चलते हैं। नंबर सेवन, आप है ना जब भी अपनी वीडियो को बनाएंगे, तो ये तुरंत ही किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड ना करें, उसे 10 बार देखें, उसे ना रिव्यू में ले, या तो फिर यूट्यूब पे अगर डाल रहे हैं ना, तो पहले तो प्राइवेट करके रखें, उस वीडियो को देखें क्या रिस्पांस आया, मैंने कहाँ पे एडिटिंग गलती की और मैंने कैसे किया। अगर आप चाहते हैं मैं एडिटिंग के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने कहाँ पे एडिटिंग गलत किया है। ओके, और लास्ट टिप है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि है ना आप जब तक कुछ करेंगे नहीं ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको गलती कर करके सीखना है, ऐसा नहीं कि कैमरे के सामने अचानक तुम खड़े हो जाओ, अरे नहीं होगा यार। तो अगर कैमरे में भी डर लग रहा है, तो मिरर के सामने खड़े हो जाओ। मिरर के सामने जब खड़े होगे ना, आपको एक आइडिया मिलेगा, एक जजमेंट मिलेगा कि यार ये सही था, ये गलत बोल रहा हूँ, मैं फब्बल हो रहा हूँ। तो बोलते ना, जब आप धीरे धीरे जब बोलने लग जाओगे ना, एक बार वो हैबिट आपकी बन जाएगी ना, तो जाके कहीं का बात बनेगी। आप मेरी 100 वीडियो जो मैंने डाल रखी हैं, पहले मेरा कैमरा कैंपटन लोवल एकदम खराब था, बकवास मैं तो बोलता था, मगर फिर भी मैं बनाते गया, आज इतना कुछ सीखने लगा। तो बोलते ना यार, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि सीखा हूँ मैं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने नहीं सीखा, मैं इसलिए बता रहा हूँ मैंने सीखा हूँ, एडिटिंग भी सीख रहा हूँ, लर्निंग एटीट्यूड है, तो जाके आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। अगर आप भी सीखना चाहते हैं और आगे कुछ करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कैमरे के सामने पहले बोलना स्टार्ट कीजिए, कुछ देखिए डिलीट मारिए, दिस इज़ द मेन लर्निंग थिंग, कि वो आपको आगे बहुत लेके जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो ना थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना होगा ना यार, प्लीज़ शेयर करना,
कमेंट करना आपको किस बारे में वीडियो चाहिए, मैं उसके ऊपर और लेके जाऊंगा। और एक लास्ट टिप, आखिरी टिप दे रहा हूँ, जब भी आप कैमरे के सामने ओपन करेंगे ना कैमरा अपने मोबाइल का या DSLR, तो अपना का आपका जो फोकस होगा ना सिर्फ और सिर्फ कैमरे पे होगा। जिस तरह मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ और कैमरे से बात कर रहा हूँ, उनके स्क्रीन पे नहीं बात करना है। नहीं तो देखिए मैं अभी स्क्रीन पे देख रहा हूँ तो ऐसा मैं तुमको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं कैमरे पे देख रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मैं तुमसे नजरों में नजरें मिला रहा हूँ। तो हमेशा फोकस करना कि तुम्हारा फोकस कैमरे के लेंस पे हो, कैमरे के पास हो, कैमरे पर हो। ओके, सो वैसे सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और भी ट्रिक्स एंड ट्रिप लेके आने वाला हूँ आपके लिए गाइस। तो सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना यार, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और आपके एक लाइक और कमेंट से ना मोटिवेशन मिलती है कि आगे और भी वीडियो बनाऊंगा और लेके आऊंगा। सबके लिए सबका ख्याल, बाय।